नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, अब से 4-5 दिन पहले ही ये न्यूज निकलकर सामने आई थी कि चाइना की साइड से अपने 32 फाइटर जेट को ताइवान के एयर स्पेस में भेजा गया है और उसके तुरंत 2 दिन बाद ही चाइना की साइड से अपने 52 फाइटर जेट को ताइवान के एयर स्पेस में घुसा दिया गया था। और इसी बात के रिटेलिएशन में ताइवान की साइड से कहा गया था कि हम जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं। ताइवान की साइड से दुनिया भर के देशों से गुहार लगाई गई थी कि आप हमारी मदद कीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम में चाइना हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा। तो दोस्तों, उस टाइम ताइवान के सपोर्ट में कोई भी कंट्री नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद न्यूज ये भी निकलकर सामने आई थी कि अमेरिका ने इस बात की तैयारी अब से 1.5 साल पहले ही कर ली थी और अमेरिका की साइड से ताइवान में अपने बेस्ट कमांडो को छोड़ रखा है और अमेरिका के ये सभी के कमांडो ताइवान के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। दोस्तों, जिस टाइम ये न्यूज निकलकर सामने आई थी कि अमेरिका के सोल्जर्स ताइवान के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उस टाइम चाइना पूरी तरीके से बौखला गया था। और उसके बाद चाइना की साइड से तो कोई घुसपैठ नहीं की गई थी, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ताइवान की सपोर्ट में पूरी तरीके से अमेरिका कूद चुका है और अमेरिका की साइड से अपनी पनडुब्बियों को भी साउथ चाइना सी में उतार दिया गया है। एक तरीके से देखा जाए तो फिलहाल के टाइम में ताइवान के सपोर्ट में पूरा का पूरा क्वाड उतर आया है। तो दोस्तों, न्यूज निकलकर ये सामने आई है कि शी जिनपिंग की साइड से कहा गया है कि हम ताइवान पर कब्जा तो करेंगे लेकिन काफी शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे और चाइना फिलहाल के टाइम में युद्ध नहीं चाह रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो जैसे ही अमेरिका की एंट्री ताइवान में हुई है, उसी दौरान चाइना की साइड से अपने घुटने टेक दिए गए हैं। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अमेरिका का 7वां जंगी बेड़ा ताइवान के काफी पास तैनात है और अमेरिका का 7वां जंगी बेड़ा ओकिनावा में फिलहाल के टाइम में तैनात है। और अमेरिका की साइड से 7वें जंगी बेड़े को पूरी तरीके से कह दिया गया है कि आप युद्ध के लिए तैयार रहना, चाइना की साइड से कभी भी ताइवान पर हमला किया जा सकता है। और अमेरिका का 7वां जंगी बेड़ा पूरी तरीके से एक्टिव है। जैसे ही इस बार चाइना की साइड से कुछ भी गुस्ताखी ताइवान में होती है तो अमेरिका चाइना को तुरंत सबक सिखाएगा। दोस्तों, भी रशिया की साइड से एक रिपोर्ट भी आई है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के 7वें जंगी बेड़े में इतनी ताकत है कि वो पूरी की पूरी चीनी नौसेना को कुछ ही घंटों में तबाह कर देगा। इसी बात को लेकर अब शी जिनपिंग कहीं ना कहीं ठंडे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।